संरक्षण की दृष्टि से शुरू किए गए ग्रीन एनवायरो मूवमेंट के तहत देश के 100 अलग अलग जगहों पर 1,00,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसमें नागपुर के लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में भी 1,000 पौधे लगेंगे, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा, जिससे कुछ ही वर्ष में यह परिसर ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा। ऐसा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महापौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कहा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को LIT परिसर में ग्रीन एनवायरो मूवमेंट के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस दौरान गडकरी ने कहा कि हम पेड़ तोड़ने से अधिक उनके प्रत्यारोपण पर अधिक जोर देते हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर 12,000 वृक्षों का प्रत्यारोपण किया गया है। वन और पर्यावरण मंत्रालय के सामने हर संस्था को ट्री बैंक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर पेड़ की सारी जानकारी मौजूद होगी। एक पेड़ का प्रत्यारोपण करने के लिए 5 नए पौधे लगाने होंगे। एक पेड़ तोड़ने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे। पौधारोपण करते वक्त अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधों के चयन पर जोर देना चाहिए। ये राष्ट्रीय महामार्ग पर लगता है और निश्चित रूप से ये हरी भरी होगी। एक प्रकार से LIT का परिसर ऑक्सीजन पार्क होगा। इस पहल के लिए यूनिवर्सिटी और LIT दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हमने तय किया है कि हम लोग बड़े प्रमाण पर वृक्षारोपण करेंगे। आज 100 जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है देश भर में। साधारणतः प्रतिमा यही है कि हम लोग पेड़ काटने का काम करते हैं, पर मैंने कहा कि इसको ईटैग करो और ईटैग करने के रोड वाइज इसका नंबर सही पब्लिक नॉलेज के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को दे दो, ताकि वो चेक कर सकें। और इसलिए NHAI के तरफ से बड़े प्रमाण पर ट्रांसप्लांटेशन करना, उसके साथ साथ पेड़ तोड़ने के बजाय ट्रांसप्लांट करने पर हमारा जोर है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।